सब्सक्राइब कीजिए AQ Tech हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों MS Word में जो है आप स्विच विंडो का कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों आपको जो है MS Word ओपन करने के बाद यहां पर जो व्यू में आने के बाद ये स्विच विंडो का जो ऑप्शन दिख रहा है, दोस्तों आप समझ लो आपके पास बहुत सारे वर्ड के फाइल जो है ओपन है। जैसे कि अभी यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास इतने सारे वर्ड्स के फाइल जो है ओपन है। तो अगर आपको इसमें से कोई भी एक फाइल के ऊपर डायरेक्टली अगर जाना है, आपको उस फाइल को ओपन करना है, तो आप यहाँ पर स्विच विंडो का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करने के बाद, आप कोई भी डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है आपके पास वही डॉक्यूमेंट जो है ओपन हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर समझ लो अभी मैं डॉक्यूमेंट नंबर 4 के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, तो आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास जो है डॉक्यूमेंट नंबर 4 जो है ओपन हो गई है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप MS Word में स्विच विंडो का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।